हरे कृष्णा, आपका स्वागत है इस आचार्य सीरीज में। आज हम लीला देखेंगे वंशीदास बाबाजी महाराज के बारे में। तो वंशीदास बाबाजी महाराज ये एक अवधूत थे। बाबाजी महाराज का वेश लिया था उन्होंने। तो ऐसे तीन बाबाजी महाराज थे नवद्वीप में, जिनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मानते थे। एक तो थे वंशीदास बाबाजी महाराज, दूसरे थे गौर किशोरदास बाबाजी महाराज और तीसरे थे जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज। इनको ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोनाफाइड या ऑथोराइज प्रामाणिक बाबाजी मानते थे। बाकी बाबाजी महाराज जो थे नवद्वीप वृंदावन में, उनका खंडन करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ऐसे वंशीदास बाबाजी महाराज एक अवधूत थे। ये साधारण जो नियम है साधना भक्ति के, उनका पालन नहीं करते थे। तो ये तीनों जो बाबाजी महाराज थे, वंशीदास बाबाजी महाराज, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज और जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, उनका ऐसा कुछ नियम वगैरह नहीं था कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतना माला करना है। उनका डेली प्रोग्राम कुछ फिक्स नहीं था। तो इस भाव जो उनके अंदर जो भाव था, भाव भक्ति में वो उनका कार्य करते थे। कभी उठना है, कभी सोना है, सब भगवान के ऊपर निर्भर था। तो ऐसे ही बाबाजी महाराज तीनों एक भाव के स्तर पे थे, साधारण स्तर पे नहीं थे, वो अवधूत थे। इसलिए उनके कार्यकलाप भी हम समझ नहीं सकते। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे ना भुजाए। तो हम देखेंगे वंशीदास बाबाजी महाराज के बारे में, अलग अलग कार्य उनके कभी कभी समझने के लिए भी कठिन है। तो उनका जन्म हुआ था मजिदपुर, जो बांग्लादेश में है अभी, 1859 में मजिदपुर बांग्लादेश, इधर उनका जन्म हुआ था। तो उनका बचपन में नाम रखा था भैरव चंद्र। वो पहले ही संतान थे उनके माता पिता के, और उनका नाम था भैरव चंद्र। तो उनका जो परिवार था वो एक मछुआरों का परिवार था। उनके माता पिता क्या करते थे, मछली पकड़ते थे और वो बेचते थे। तो जो भैरव चंद्र बचपन से ही वो वही सीखे थे, मछली कैसा पकड़ना है और मछली कैसे बेचना है, वही उनका काम था पूरे परिवार का। और परिवार भी गरीब था, काफ़ी पैसे नहीं थे। तो ऐसे परिवार में वो पले और बड़े। बाद में नवद्वीप आ गए। ये सब कुछ छोड़ के वो नवद्वीप आ गए और नवद्वीप में ही रहे ज़्यादा से ज़्यादा। उनका आयुष्य ज़्यादा से ज़्यादा नवद्वीप धाम में ही उन्होंने गुजारा। लेकिन आखिरी समय में फिर से वो अपने गांव गए थे मजिदपुर बांग्लादेश में, और वहीं पे उन्होंने अपना देह त्यागा। तो हम देखेंगे उनके लीलाएं जो नवद्वीप धाम में उन्होंने की। तो उनका जो कद था काफ़ी बड़ा था, हाइट 6 feet tall, 6 feet के बड़े हट्टे कट्टे जवान थे। और उनके बाल ऐसे बड़े हुए रहते थे, और सिर्फ पहनते क्या थे, एक कोपिन बस। एकदम साधारण जीवन जीते थे, छोटी सी कुटिया में रहते थे, और अपना वेश जो जैसा एक अवधूत की तरह रहता था उनका। तो ज़्यादा वो कभी किसी ने देखा नहीं कि वो कभी नहाते थे या शेविंग करते थे, उनका कुछ स्केड्यूल नहीं रहता था। एक अवधूत की तरह वो नवद्वीप में रहते थे। और कभी बात भी करते थे किसी से, कोई आता था कुछ पूछता था, तो बातें भी ऐसे करते थे कि उस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता था क्या बात कर रहे हैं। एक वाक्य और दूसरे वाक्य में कुछ लिंक नहीं होता था, अलग ही कनेक्शन ही नहीं होता था, कुछ तो बड़बड़ाते थे, तो व्यक्ति निराश होकर चला जाता था। तो वो विषयी लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते थे, और बात भी किया तो ऐसे बात करते थे उसको समझ में नहीं आता था, फिर वो चला जाता था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर, इनको पता था कि वो एक परम वैष्णव है, एक अवधूत है, एक बाबाजी है। तो इसलिए वो उनको मिलने को जाते थे। और वंशीदास बाबाजी महाराज, क्योंकि वो भी शुद्ध भक्त है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी शुद्ध भक्त है, तो ये दोनों जब मिलने जाते थे वंशीदास बाबाजी महाराज को, तो वंशीदास बाबाजी महाराज बोलते थे, देखो दो मंजरियाँ आ रही है। मंजरी क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है नयन मंजरी, और भक्ति विनोद ठाकुर है कमल मंजरी। तो उनके स्वरूप को देखते थे, बोलते थे दो मंजरी आ रही इधर मेरे कुटिया में, तो राधा रानी भी नज़दीक कहीं पे होगी, ऐसे वो बोलते थे।
तो भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनसे मिलने को जाते थे हमेशा। और कोई कुछ पूछता था बाहर का व्यक्ति और उनसे पूछता था, तो वो क्या करते थे, पहले तो ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन कोई तो सिंसियर प्रामाणिक कोई भक्त आके कुछ सवाल पूछ रहा है भक्ति के बारे में, तो वो क्या करते थे, उससे डायरेक्टली नहीं बोलते थे, अपने जो डीटीज थे, उनके पास 6 डीटीज थे, एक तो गौर, निताय, गदाधर, फिर राधा कृष्ण और गोपाल, ऐसे 6 डीटीज थे उनके पास। तो कोई व्यक्ति आके कुछ प्रश्न पूछता था तो वो अपने डीटीज को पूछते थे वो प्रश्न, उनसे बात करते थे गौर, निताय, गदाधर से, और फिर उनके उनसे उत्तर मिलने के बाद वो उत्तर देते थे, डायरेक्टली उत्तर नहीं देते थे, तो गौर निताय से बात करते थे और उत्तर वैसे देते थे, तो अपने डीटीज से पूछते थे सवाल। तो उनका दिन भर का स्केड्यूल ऐसा ही रहता था, अपने डीटीज के साथ वार्तालाप करते थे, प्रश्न उत्तर करते थे, कभी कभी झगड़ा भी करते थे अपने डीटीज के साथ, गौर निताय के साथ झगड़ा भी करते थे। तो उनका स्केड्यूल ही ऐसा था, उनका स्केड्यूल ही नहीं था, सुबह सुबह उठ के कभी जाते थे बाहर भिक्षा करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी फूल वगैरह तोड़ के लाते थे अपने डीटीज को, और फिर कुछ लाया भिक्षा में मिला कुछ तो वो सब्जी वगैरह काटते थे, और फिर जो राइस किसी ने दिया चावल तो उसको हर एक राइस को सेपरेट करके निकालते थे, अगर कोई राइस ख़राब है राइस का टुकड़ा वो फेंक देते थे। तो ऐसे बहुत धीरे धीरे से सब कुछ करते थे, और फिर शाम को, लेट इवनिंग, शाम को ही वो भोग बना के भगवान को लगाते थे। तो सुबह जाके भिक्षा करते थे, बाद में उनको कुकिंग को इतना टाइम लगता था क्योंकि बहुत धीरे धीरे भक्ति से करते थे, भक्ति भाव से करते थे, तो शाम को फिर भोग लगाते थे, और वो भी कभी कभी भूल जाते थे। तो ऐसा उनका आचरण था। और कोई कोई भी चीज़ को वो कनेक्ट करते थे वृंदावन से। तो कोई एक व्यक्ति आया, उसने कुछ तो कहा, गवर्नमेंट ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, बोले गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी गोवर्धन, गवर्नमेंट सुना तो उनको लगा गोवर्धन, वो गोवर्धन गोवर्धन बोलने लगे। तो कुछ भी कोई भी बोलता था तो वो गोवर्धन से कनेक्ट करते थे या वृंदावन से कनेक्ट करते थे, हमेशा वृंदावन का स्मरण करते थे। और कभी कभी वो अपने डीटीज के साथ झगड़ा भी करते थे, गौर निताय के साथ झगड़ा करते थे, कभी उनको छड़ी दिखाते थे। तो एक बार वो ऐसे ही बाहर गए भिक्षा करने के लिए, और उन्होंने जो अपनी कुटी थी उसको लॉक नहीं किया, और लॉक करते भी नहीं थे कभी, क्योंकि वो बोलते थे घर के मालिक कौन है, गौर निताय गदाधर, ये 3 बच्चे तो उन्होंने ही घर का सब रक्षा करनी चाहिए, मैं क्यों करूँ। तो वो ऐसे ही खुला छोड़ के चले जाते थे, और वो बोले ये ताला जो है उसकी 3 चाबियां है, मैंने तीनों की तीनों चाबियां इन 3 बच्चों को दिए, गौर निताय और गदाधर, बस उन्होंने संभालना है घर को, मैं नहीं संभालूंगा। तो ऐसे ही घर खुला छोड़ के एक दिन वो चले गए भिक्षा करने के लिए, और भिक्षा से आए तो देखा गाय ने अंदर पूरा खा लिया है। तो तभी वो गौर निताय को डांटते हैं, आप खुद की रक्षा क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों चाहिए आपको रक्षा करने के लिए, खुद की रक्षा आपका घर है, आपने खुद करना चाहिए। तो गौर निताय के साथ झगड़ा करने लगे। और एक बार किसी ने डोनेशन दिया था एक गोल्ड नेकलेस चैतन्य महाप्रभु के लिए, उनके डीडीज के लिए, तो वो पहनाते थे हर रोज गोल्ड नेकलेस। और एक दिन वो जब भिक्षा करने के लिए चले गए तो तभी कोई तो चोर अंदर आके आ गया और वो नेकलेस लेके चला गया चैतन्य महाप्रभु का। और जब बाबा जी महाराज आए फिर से अपने कुटिया में, देखा कि चोरी हो गया उनका गले का हार सोने का चैतन्य महाप्रभु का, तो महाप्रभु को डांटने लगे कि तुमको समझ में नहीं आता खुद की रक्षा क्यों नहीं कर सकते, मैं कितना रक्षा करूँगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। और 2 घंटे तक उनसे झगड़ा किया महाप्रभु के साथ, और फिर बोले कि कौन लेके गया चोर, कौन है चोर। तो बाद में महाप्रभु उनके साथ तो डीटीज बात करते थे, महाप्रभु ने कुछ बताया तो फिर वो गए उस चोर के घर पे, और उस चोर को बोले कि आपने मेरे डीटीज का हार चुराया है तो वो तुरंत दे दीजिए। तो वो चोर जो था उसने क्या किया, बाबा जी महाराज को धक्का दे दिया, और धक्का दिया और बाबा जी महाराज गिर गए नीचे, और बाबा जी महाराज को थोड़ा लग गया, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, घर पे आ गए।
बाद में क्योंकि महाप्रभु को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अपने शुद्ध भक्त को इस चोर ने क्या किया, धक्का दिया, तो अगले दिन ही उस चोर की मृत्यु हो गई और उसकी नहीं पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। तो बाबा जी महाराज साधारण भक्त नहीं थे, बहुत ही बड़े परमहंस भक्त थे। एक बार फिर से ऐसे भिक्षा करने के लिए हो गए बाहर, और कोई तो चोर आ गए फिर से, और वो जो बर्तन है गौर निताय के बर्तन जो भोग बनाने के, वही चोरी करके लेके गए। तो वंशीदास बाबा जी महाराज फिर से कुटिया में आए और देखे कि बर्तन गायब, तो फिर से डांटने लगे गौर निताय को, छड़ी लेके डांटने लगे, तुमको कहा था ना खुद का रक्षण खुद करते जाओ, ये चोरी हो गया तो मैं क्या करूँ। तो बोले अभी तुम दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, तुम्हारा बर्तन ही नहीं तो मैं किस में खाना पकाऊँ, तुमको अभी फास्टिंग करना पड़ेगा। तो फिर गौर निताय डर गए, तो एक व्यक्ति आया और एक बर्तन दे दिया, और चोर खुद आके उसने बर्तन दे दिया। उन्होंने देखा एक बर्तन आ गया, बोले निताय का बर्तन आ गया, उनके लिए मैं खाना बनाऊँगा, गौर के लिए नहीं बनाऊँगा। तो निताय के लिए खाना बना दिया, उनको खिला दिया। तो महाप्रभु जो थे उनको बुरा लगा, रहे मैं वो खाना खा रहे हैं निताय और मैं भूखा हूँ। तो फिर कुछ समय के बाद और एक व्यक्ति आया और महाप्रभु का भी बर्तन दे दिया, फिर महाप्रभु को भी उन्होंने खिलाया। तो ऐसी लीला भगवान के साथ होती थी उनकी, डायरेक्ट पर्सनल वार्तालाप होता था, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था, बहुत ही प्रेममय संबंध था उनका और उनके डीटीज के साथ। तो एक जातिशेखर प्रभु करके एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, तो वो उनकी सेवा करने के लिए जाते थे, उनके साथ कभी कभी ट्रैवलिंग भी करते थे बाबा जी महाराज के साथ, तो उनको काफ़ी कुछ पता था उनके बारे में। तो एक बार बाबा जी महाराज बोले हम नवद्वीप से पुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए। तो फिर जातिशेखर प्रभु बोले मैं भी आता हूँ आपके साथ। तो दोनों चले और बहुत समय लगा जाने के लिए, तभी तो इतना फैसिलिटीज़ नहीं था, तो वो जा रहे थे पैदल, कभी जो बुलक कार्ट है उसमें जाते थे, बैलगाड़ी, कभी कभी पैदल जाते थे। तो करीब करीब 3 महीने लगे उनको जाने के लिए जगन्नाथपुरी तक, नवद्वीप से जगन्नाथपुरी। तो जातिशेखर प्रभु ने देखा कि बाबा जी महाराज कभी वो नहाने नहीं जाते थे, कभी शौच करने के लिए भी नहीं जाते थे, पेशाब के लिए भी नहीं जाते, 3 महीने तक देखा उन्होंने कभी जाते ही नहीं थे। तो जातिशेखर प्रभु एकदम आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उनको पूछ तो नहीं सकते, लेकिन ऐसे थे बाबा जी महाराज। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके शिष्यों को कहा था कि ये वंशीदास बाबा जी महाराज बहुत ही उच्च प्रकार के भक्त है, अवधूत है, तो क्या करते जाओ आप, उनके जब भी कुटीर में वो प्रसाद लेते हैं और प्रसाद के बाद वो जो भी अन्न भार डालते हैं बचा हुआ उसको आप लाते जाओ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके शिष्यों को, कुछ शिष्यों को रखते थे उनके कुटीर के बाहर, तो जो प्रसाद लेके वो अपना जूठा बाहर फेंकते थे थोड़ा बहुत, तो उसको लेके बाकी के भक्त लाके गौड़िया मठ में लाते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद लेते थे और भक्तों बांटते थे। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले वंशीदास बाबा जी महाराज बहुत ही प्रगत भक्त है, उनका महा हमने लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि आप ज़्यादा उनके साथ संग मत कीजिए, अपने शिष्यों को बोलते थे, क्योंकि आप क्या हो जाओगे, बिविल्डर हो जाओगे, आप भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि उनके कार्यकलाप ऐसे हैं कि आप देखेंगे उनके विग्रह के साथ जो वार्तालाप होते हैं, कभी वो डांटते हैं गौर निताय को कभी कभी, तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए आप ज़्यादा मत जाते जाओ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उनके शिष्यों को ज़्यादा नहीं जाने देते थे, वो जाते थे कभी कभी मिलने के लिए। एक बार वो अपने विग्रह को लेके जगन्नाथपुरी गए थे, तो उधर जगन्नाथपुरी में जो बीच, जो तट है समंदर का, वहीं पे रुके थे और वहीं पे अपना टेंट बना के अपना उधर रहते थे। तो एक बार जो गोपाल जी थे, उनको गोपाल जी को उन्होंने हाथ में लिया और बोले आपको नहाना है क्या, तो गोपाल जी ने कुछ उत्तर दिया होगा, अभी उनको ही सुनाई दिया। तो वो समंदर ऐसा दूर था और जातिशेखर प्रभु भी उनके साथ थे, तो फिर गोपाल जी बोले उनको हाँ मुझे नहाना है। तो फिर वंशीदास बाबा जी महाराज क्या बोले, समंदर को
इधर आओ, नज़दीक आओ, हमारे गोपाल को नहाना है। तो जाति शिखर प्रभु ने क्या देखा, जो समंदर की लहरें नज़दीक तक आई बाबा जी महाराज तक, और फिर उन्होंने गोपाल को नहलाया और फिर समंदर फिर से पीछे चला गया। तो अपने वो किताब में ये बताते हैं। और जब जगन्नाथपुरी गए थे तो वो एक बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे, जो कि वो जो ग्रांड रोड है बड़ा, जहाँ से रथ यात्रा गुजरती है, वहाँ से थोड़ा नज़दीकी था। तो वहाँ पे उन्होंने अपना घर बना लिया, वहाँ पे रहते थे पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे वो जाति शिखर प्रभु और एक दो जन उनके उनके साथ थे। तो वहीं पे खाना बनाते थे, अपने डिटीज़ को भोग लगाते थे, उधर ही जप करते थे, डिटीज़ के साथ बात करते थे। तो ऐसे जगन्नाथपुरी में कई दिन रहे वो। और जब जगन्नाथ रथ यात्रा का समय आ गया तो जगन्नाथ जी का रथ निकला वहाँ से श्री मंदिर से, और जैसे ही जगन्नाथ का रथ निकला, इतने सारे भक्त जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे थे, और जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ वो बरगद के पेड़ के नज़दीक आ गया तो रथ रुक गया, रथ आगे ही नहीं जा रहा था। तो बहुत लोग उसको खींच रहे थे, ढकेल रहे थे, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो फिर बाद में बाबा जी महाराज, वंशीदास बाबा जी महाराज आ गए उधर रथ के पास और जगन्नाथ जी से कुछ वार्तालाप किया, किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन इन्होंने बात किया, जगन्नाथ जी ने बात किया, और फिर कुछ घंटों के बाद रथ आगे चला गया। तो खास जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज के लिए रुके वहाँ पे। तो ये लेवल था जगन्नाथ, ये लेवल था वंशीदास बाबा जी महाराज का। और एक बार जब वो उड़ीसा गए थे, उड़ीसा में उनके साथ कुछ भक्त थे, और वो ऐसे ही खुले खुले में ऐसे रात में सोए थे, और फिर देखा रात के 12 बजे वो अचानक उठे, और कुछ भक्तों ने देखा कि 50 सुंदर स्त्रियाँ वहाँ पे आई, और इतना सुंदर थी वो, और इतने अच्छे कपड़े पहने थे, और उन्होंने बाबा जी महाराज को दंडवत किया और चले गए बस। तो ये सब जो बाकी के जो भक्त थे उन्होंने ये देखा दृश्य साक्षात, और बाबा जी महाराज उनको हरे कृष्णा बोले और वो चले गए। तो बाद में उन्होंने गांव वालों से अगले दिन पूछा कि यहाँ पे कुछ स्त्रियाँ आई थी, 50 स्त्रियाँ आई थी कल रात को, सुंदर दिखने वाली, यहाँ पे आजू बाजू गाँव में स्त्रियाँ रहती है क्या? तो बोले आजू बाजू में जो गाँव में स्त्रियाँ कभी बाहर निकलती नहीं है, इधर वो घर के अंदर ही रहती है, और रात के 12 बजे तो कभी नहीं निकलेंगी वो, तो इधर की वो कोई भी स्त्रियाँ नहीं थी। तो फिर बाद में भक्तों को पता चला कि वो स्त्रियाँ कौन थे, जो अप्सरा, जो स्वर्ग की अप्सरा खास बाबा जी महाराज से मिलने के लिए आई थी, उनको दंडवत करने के लिए, उनका दर्शन लेने के लिए आई थी, और वो दर्शन लेके चले गए। एक बार बाबा जी महाराज ने अपने गोपाल के लिए स्वीट राइस बनाया, बहुत मेहनत से स्वीट राइस बनाया, अच्छे से भक्ति भाव से स्वीट राइस बनाया, और फिर स्वीट राइस बनने के बाद वो फिर गोपाल जी को भोग लगाने के लिए आए। तो भोग के ऐसे वो कुछ मंत्र वगैरह कुछ बोलते नहीं थे, बस लाके सामने रख देते थे। तो जब उन्होंने वो स्वीट राइस बना के गोपाल जी को भोग लगाने ही वाले थे, तभी उनको अचानक गुस्सा आ गया गोपाल जी के ऊपर, और उन्होंने वो स्वीट राइस लिया, वो स्वीट राइस का बर्तन, और नीचे फेंक दिया भोग लगाने से पहले ही, और नीचे फेंक दिया ज़मीन के ऊपर, और बोले गोपाल को, तुम बहुत नटखट हो, मैंने तुम्हें इतना अच्छा स्वीट राइस बनाया, लेकिन तुम उधर वृंदावन में वो राधा रमन मंदिर में जाके उधर का स्वीट राइस खा रहे हो, मैंने बनाया हुआ स्वीट राइस नहीं खा रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो, छड़ी लेके उनको डांटने लगे। तो तभी जो बाकी के भक्त थे जाति शिखर प्रभु और बाकी के, उन्होंने तुरंत इंक्वायरी की कि वृंदावन में अभी दोपहर को कुछ भोग लगा था क्या, और क्या भोग लगा था? तो उधर से उन्होंने लेटर भेजा कि थोड़ी देर पहले क्या भोग लगा था, स्वीट राइस का भोग लगा था राधा रमन मंदिर में उस समय। तो उनका ऐसा लेवल था वंशीदास बाबा जी महाराज का। तो अपने ड्यूटीज़ को डांटते भी थे वो, हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते, बाबा जी महाराज का लेवल कुछ अलग था। और वो हर कोई, अगर कोई भी बरगद का पेड़ दिखता था उसके नीचे जाके रहते थे एक दिन, और बोलते थे ये बरगद का पेड़ क्या है, वंशी वट, जहाँ पे भगवान साक्षात भगवान कृष्ण ने रासलीला की है। तो कोई कोई भी बरगद का पेड़ दिखता था उसको वो
बहुत शुभ मानते थे और उसके नीचे थोड़ी देर बैठते थे, उधर जप करते थे। तो वंशी वट जो भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पे रासलीला की थी, तो वो मानते थे कि हर कोई जो बरगद का पेड़ है वो बहुत शुभ है, उधर जाके भजन करते थे। तो एक बार जब वो उड़ीसा में गए थे तो उधर उनको एक साधु मिलने के लिए आए जो रामानुजा संप्रदाय के एक साधु थे। तो क्योंकि बाबा जी महाराज का नाम सुना था उन्होंने, तो सोचे कि जाके हम मिल लेंगे। तो ये रामानुजाचार्य संप्रदाय के ये साधु उनको मिलने के लिए आए जब वो उड़ीसा में थे। तो फिर उन्होंने उनका स्वागत किया, वंशीदास बाबा जी महाराज ने आइए बैठे, उनसे कुछ वार्तालाप किया। तो वंशीदास बाबा जी महाराज के डिटीज भी थे साइड में, गौर, निताय, गदाधर, राधा कृष्ण एंड गोपाल। तो वो पूछ रहे थे साधु रामानुजाचार्य संप्रदाय के कि आप जो भक्ति कर रहे हैं, आपका जो भक्ति का प्रोसेस है, आप कौन से संप्रदाय में आते हैं? ये चार संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और फिर रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, इस चारों में से कौन से संप्रदाय में आते हैं? तो वंशीदास बाबा जी महाराज बोले, मैं किसी भी संप्रदाय में नहीं आता, मैं आउट ऑफ संप्रदाय। तो ऐसे उनको बोले। और फिर वो बोले कि आप ये जो डीटी वर्शिप करते हैं, वो डीटी वर्शिप उसमें रूल्स रेगुलेशन जो नियम है उसका पालन कुछ भी नहीं होता। तो बाबा जी महाराज बोले, क्योंकि मैं किसी भी संप्रदाय में नहीं आता हूँ, मैं किसी भी नियमों का पालन नहीं करता। तो वो साधु जो है वो उनको दंडवत करके चले गए। और बाद में जब आखिर में उन्होंने काफ़ी सारा भ्रमण किया, नवद्वीप में तो ज़्यादा से ज़्यादा रहे वो, लेकिन वो वृंदावन भी गए और फिर जगन्नाथपुरी गए और कुछ जगह पे ऐसे गए, लेकिन मैक्सिमम जो थे वो नवद्वीप में रहते थे। तो उनके जो कार्यकलाप है बहुत ही कठिन है समझने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद कभी कभी जाते थे उनको मिलने के लिए। एक बार तो ऐसे हो गया, तो वो गुस्सा हो गया अपने ड्यूटीज़ के ऊपर, गौर निताय के ऊपर, और उन्होंने क्या किया, उन दोनों को हाथ पैर बांध दिया और गंगा में फेंक दिया और उनको रस्सी बांधी पैरों को और अपने हाथों में रखी और गंगा में डाल दिया। और किसी ने पूछा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, अपने ड्यूटीज़ को फेंक रहे गंगा में? तो कोई तो आया पूछने को, उसको पत्थर लेके मार दिया। तो व्यक्ति भाग गया। फिर बाद में वो ड्यूटीज़ को उन्होंने निकाला और फिर से कुटीर में लाए। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर बोलते थे कि अपने शिष्यों को आप उनसे ज़्यादा संग मत कीजिए, आप उनके प्रति अपराध करेंगे। क्योंकि बाबा जियों में भी वो स्पेशल बाबा जी थे। वैसे बाबा जी जो रहते हैं वो तो अवधूत रहते ही हैं, उनके कार्यकलाप तो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन उन बाबा जियों में भी ये वंशीदास बाबा जी और स्पेशल थे। तो वो इतने अवधूत थे कि काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, उनको भी उनके कार्यकलाप समझ में नहीं आते थे और वो ठीक से किसी से बात भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको ये विषय लोगों से कुछ संबंध है ही नहीं था। और बाद में वो आखिरी समय में जब वो सब भ्रमण करके मजीदपुर गए थे, जो कि उनका जगह जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था बांग्लादेश में, आखिर में वहीं पे जाते हो और उधर से ही अपना देह त्याग करते हैं। तो जुलाई 23, 1944 इस दिन जब रघुनंदन ठाकुर है उनका जब तिरोभाव था, तो उस दिन वंशीदास बाबा जी महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया। कहाँ पे? मजीदपुर में, तो जो बांग्लादेश में है वहाँ पे। वैसे वंशीदास बाबा जी महाराज है, उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे भगवान की सेवा जो है प्रेम से करनी चाहिए। जैसे रूटीन जो होता है, रूटीन लाइफ से नहीं करनी चाहिए। हालांकि हमने नियम वगैरह सब पालन करने चाहिए, लेकिन उसमें क्या होने चाहिए, फीलिंग्स होने चाहिए। हमने जो भी भक्ति करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए। जो हम देखते हैं बाबा जी महाराज, वंशीदास बाबा जी महाराज के जीवन से देखते हैं कि कितना भक्ति भाव था उनमें, और वो जो भी करते थे बहुत धीरे से करते थे, उसमें अपना पूरा तन मन डाल के करते थे। और जो डीटीज़ को वो ऐसे डीटीज़ नहीं मानते थे, तुम्हें प्रतिमा नाही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, जो भगवान का अर्थ विग्रह होता है
वो कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं पत्थर की, तो वो साक्षात भगवान को मानते थे, इसलिए भगवान भी उनके साथ वार्तालाप करते थे। तो हम जब भी भगवान की सेवा करते हैं तो उनको एक मूर्ति करके नहीं देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि वो साक्षात व्रजेंद्र नंदन है, तो वो भी हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो वंशीदास बाबा जी महाराज के साथ डायरेक्ट उनके जो डीटीज़ है वो बात करते थे, गौरनिताई के डीटीज़, गदाधर, राधा कृष्ण और गोपाल, गोपाल के डीटीज़ वो हाथ में लेके घूमते थे, जहाँ पे भी जाते थे गोपाल की डीटीज़ हाथ में रहते थे उनके, और अपने डीटीज़ बाकी के डीटीज़ एक बैग में डाल के हमेशा जाते थे, वो डीटीज़ के बिना, अपने विग्रह के बिना कभी नहीं जी पाते थे, तो इतना उनको प्रेम था अपने डीटीज़ के प्रति। तो ऐसे वंशीदास बाबा जी महाराज एक परम वैष्णव है, और नवद्वीप में रहे वो इतने साल, और बाकी जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये भी परम हंस है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे ये तीनों जो बाबा जी है वो भगवान के शुद्ध भक्त है, और उनके क्रियाकलापों को हम कभी निंदा नहीं कर सकते और उसका हम पालन भी नहीं कर सकते। हमें जो नियम और विधि दिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने और फिर श्रील प्रभुपाद ने, उन विधियों का हमने पालन करना चाहिए, हमने उनका अनुकरण नहीं लेकिन अनुसरण करना चाहिए। वैसे बाबा जी महाराज जो है, वंशीदास बाबा जी महाराज, हालांकि वो हमारे शिक्षा परंपरा में नहीं आते, क्योंकि हमारी शिक्षा परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बाद भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के बाद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और फिर उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद आते हैं। तो इस शिक्षा परंपरा में हालांकि वो नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको एक प्रामाणिक बाबा जी मानते थे, और उनको मिलने जाते थे हमेशा, और उनको उनको नमन करते थे। तो ऐसे वंशीदास बाबा जी महाराज जो है, उनका जीवन जो है एक एग्जाम्पलरी जीवन है, एक अवधूत का जीवन है, और इसीलिए जातिशेखर प्रभु ने किताब लिखी है जिसमें उनके अलग अलग लीलाओं के बारे में वर्णन किया है। तो आप कभी उसको पढ़ सकते हैं, वंशीदास बाबा जी महाराज की जो बारे में किताब लिखा है। तो वंशीदास बाबा जी महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये तीन बाबा जी महाराज जो है वो ऑथराइज बोनाफाइड है, और उनके बारे में हम सुन सकते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बाकी जो भी बाबा जी महाराज थे वृंदावन या नवद्वीप में, उनका खंडन करते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि बाबा जी महाराज उस समय जो थे सभी क्या करते थे, गलत काम कर रहे थे, इल्लिसिट अनैतिक कार्य करते थे, इसलिए उस समय जो वैष्णविज्म को लोग क्या बोलते थे, मीन्स सेक्स रिलीजन, ऐसे बोलते थे, वैष्णविज्म मीन्स सेक्स रिलीजन, उस समय लोगों की धारणा ऐसी थी। क्योंकि जो बाबा जी महाराज, बाबा जी का जो वेश पहनते थे, वो बाबा जी का वेश पहनते थे, दिन में वगैरह जप वगैरह करते थे, लेकिन रात में गलत गलत अनैतिक कार्य करते थे, इसलिए उस समय जो ब्रिटिशर्स थे और बाकी के जो लोग थे, भद्र लोग बंगाल के, तो वो सभी बाबा जी महाराज को इतना खंडन करते थे, उनको तुच्छ मानते थे, और वैष्णविज्म को इतना तुच्छ मानते थे, और बहुत भर्त्सना करते थे वैष्णविज्म की। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बाबा जी वेश उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये सैफरन जो ड्रेस है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उस समय बाबा जी ये सफ़ेद कपड़ा बहुत उसका क्रिटिसिज्म हो गया था। तो जो सैफरन कपड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंट्रोड्यूस किया, बोले हमें बाबा जी नहीं बनना है, हमें क्या नॉर्मल सन्यासी बनना है, ब्रह्मचारी बनना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सिर्फ इन तीन बाबा जी महाराज को बस माना, जो बोनाफाइड ऑथोराइज है, बाकी किसी को नहीं माना। तो ऐसे वंशीदास बाबा जी महाराज है जिनका स्तर हम समझ नहीं सकते, उनका सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, लीला सुन के उनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं हम भक्ति में। तो ये है वंशीदास बाबा जी महाराज के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वंशीदास बाबा जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे